दीपक जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार एक कांग्रेस से आरोप लगाती आई है कि व्यापम जैसी एक घटना हुई, उसके बाद कई लोग बेरोजगार हुए। स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी लगातार वो एक बात सामने आती है कि उसमें किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। सर, किस तरह से देखते हैं अपनी जो विभाग है वो युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहा है? कि युवा फोर्स को हम अधिक उपयोग करें और उसको जब हुनर से जोड़ेंगे तो वो अधिक कारगर रूप से काम कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्किल इंडिया का नारा दिया। स्किल इंडिया के साथ अगर उनका देखें डिजिटल इंडिया या स्टार्टअप, तीनों को हम देखें तो तीनों कहीं ना कहीं कौशल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में कौशल उन्नयन को लेकर कौशल विभाग केंद्र सरकार में पहली बार प्रारंभ हुआ। माननीय राज्यपति रूड़ी इसके पहले मंत्री के रूप में काम करने वाले कैबिनेट में सदस्य भी बने। हमारे यहाँ तो कौशल विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी 2011 में शुरू कर दिया था, लेकिन इसको लेकर जो योजनाएं मध्य प्रदेश से बनना थी उसमें थोड़ा सा हम कम पीछे रहे। इस साल हमने 7.25 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए, कौशल देने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, अभिनव कार्यक्रम बनाया, जिसमें सब विभागों की मांग को लेकर और उस मांग के अनुरूप उसको काम किया। दूसरा, हमने उद्यमिता विकास केंद्र भी अपना प्रारंभ किया है, उद्योगिकता विकास प्रकोष्ठ, जिसमें ITI से निकलने के बाद तत्काल बच्चे को कैसे रोजगार से जुड़ना है, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा रही कि काम लेने वाले बनना चाहिए, कैसे युवा स्वयं का अपना काम धंधा शुरू करके आगे बढ़ सकते, इसके लिए हमने व्यवस्था भी शुरू कर दी और आगामी सत्र में हम 7.25 लोगों को कौशल से जोड़ेंगे। बस अब एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि चूंकि हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा है, हिंदी पर हम तो जोर दे रहे दे रहे, लेकिन एक अंग्रेजी भी कहीं ना कहीं ज़रूरत एक बन चुकी है। स्कूलों में अंग्रेजी को यदि शुरू करते, क्योंकि अधिकांश ऐसे स्कूल है जहाँ पर बच्चे अंग्रेजी को ठीक से पढ़ नहीं पाते, कई जगह प्रोफेसर भी, तो क्या जितने अध्यापक हैं या उनको भी इस तरह का स्किल दी जाएगी अंग्रेजी के लिए? नहीं, प्रशिक्षण का हमारे कार्यक्रम चलता है, 7 दिन का होता है, उसको अवधि बढ़ाने का एक तो फैसला किया। दूसरा, अंग्रेजी माध्यम के हर ब्लॉक में हमने 5-5 स्कूलों का संचालन भी शुरू कर दिया है, तो आने वाले समय में कठिनाई दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी तरह हमारे साथ दीपक जोशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अंग्रेजी भी बहुत जल्द अब बच्चे और ये कठिनाई जो है वो दूर हो जाएगी, और साथ ही साथ उन्होंने जो रोजगार की बात कही है कि सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिला है और आने वाले समय में भी बड़ी योजना है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। अनवर खान के साथ शरद व्यास, इंडिया पर्स न्यूज़।